नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थावास खबर प्रयागराज से। प्रयागराज डिप्टी एसपी शुभम तोदी मैफोर्स के साथ धूमनगंज के गौसपुर कटौला में गश्त कर रहे थे, तभी चेकिंग के दौरान रोकने पर दो बदमाश पुलिस पर फायरिंग करने लगे, जहां फोर्स ने मोर्चा संभालकर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाश पुलिस की पकड़ में आ गए। छानबीन में पता चला कि दोनों लोग शातिर चोर हैं और किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता से पकड़े गए। आइए सुनते हैं डिप्टी सीएम का बयान। प्रभारी निरीक्षक धूमनगंज और सिटी सर्विलांस की टीम आज कटौला मोड़ पे रात को चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान मालूम चला कि ऑटो रिक्शा से कुछ लोग जा करके एक बंद शुदा मकान में, जिसका मकान मालिक रहता नहीं है वहाँ पे, उसमें चोरी कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल कवर किया। जैसे पुलिस को देखा उन्होंने फायरिंग कर दिया। उस फायरिंग पे तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया आत्मरक्षार्थ। उस पर दो बदमाश उसमें से घायल हो गए। उनको तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल, जहां जानकारी करने पर एक ने बताया कि एक का नाम उसमें शकील है, जो रहने वाला वहां पे रानीगंज थाना क्षेत्र प्रतापगढ़ का है। दूसरे का नाम जो है उसने अपना नाम हैदर बताया और वो रहने वाला फतनपुर थाना क्षेत्र प्रतापगढ़ का है। इन्होंने कई और घटनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद इनसे डिटेल पूछताछ की जाएगी। प्रयागराज सिटी क्राइम रिपोर्टर कृष्ण प्रकाश सिंह की खास रिपोर्ट।